बार एसोसिएशन की 16 सदस्य नई कार्यकारिणी के गठन के लिए बुधवार को मतदान शुरू हो गई है। विभिन्न पदों के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रचार में हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। सुबह 10 बजे से प्रत्याशियों ने कचहरी के काम को छोड़ चुनाव मतदान की प्रक्रिया में लग गए हैं। अपने प्रचार में प्रत्याशियों ने सभी दांव का इस्तेमाल किया। जाति कार्ड से लेकर बाहरी भित्री तक के दांव आजमाए गए। आज होटल और रेस्टोरेंट तथा रोड में चिकन मटन बिरयानी की खूब दावत चल रही है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि उनकी जीत पक्की है। वकीलों के हर सुख दुख का मैं साथी हूँ। सबसे ज्यादा उत्सुकता तो आप देख करके समझ सकते हैं कि मेरे में कितना उत्सुकता है। जो जा रहे हैं वोट कास्टिंग करके हमको छू के चले जाते हैं, इससे हमको ऐसा लगता है कि उनसे नहीं इशारों में बात करके चले जा रहे हैं। तो स्वामी जी आपको वोट दे रहे हैं और आप सुनते हैं, इसलिए काफी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है जी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक शांतिपूर्ण, नो प्रॉब्लम। अगर आप जीत के आते हैं तो आपकी हैट्रिक होगी। मेरा जीत के आएंगे तो नेचुरली हैट्रिक होगा। दो बार मैं जीत चुका, तीसरे बार के लिए और सब लोग हमको चाहते हैं तीसरी बार मैं जीतूंगा, आश्वस्त हूँ। वहीं अमरेंद्र कुमार सहाय ने भी अपनी जीत 100% तय बताते हुए कहा कि अब की बार परिवर्तन की लहर है और कई प्रत्याशी अपने अपने जीत की दावा कर रहे हैं। लोगों में एक जनसैलाब है, क्या लगता है? कुछ है ही नहीं। और ये आपसी परिवार का चुनाव है, एक परिवार का चुनाव है। कितनी उत्सुकता है आप लोगों में? बहुत ज्यादा उत्सुकता है। अच्छा, इस बार लोग बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि कुछ नया हो, बार का विकास हो, बार में अच्छा अच्छा चीजें हो, मॉडल बार बने, हमारा राज्य में नाम हो, इसी उद्देश्य को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है? बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, बहुत अच्छी तरह से। आप जीत कर आएंगे तो लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? जीत कर आएंगे, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव का पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालेंगे। दो साल पहले इससे हम गवर्निंग काउंसिल मेंबर में भी 2 साल हम काम किए हैं और अच्छा रिपोर्टेशन रहा है मेरा। अगले बार मेरा एजेंडा था कि लेडीज कॉमन रूम बनाएंगे, लेडीज कॉमन रूम नहीं था, लेडीज कॉमन रूम की अटैच बाथ हम लोग करवाए हैं। वहीं चुनाव पदाधिकारी विजेंद्र सिंह ने कहा कि पहचान पत्र मतदान के लिए आवश्यक बार एसोसिएशन में कुल 16 पदों के लिए 1965 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान के लिए अधिवक्ताओं को यूनिफॉर्म में आना होगा। उन्हें बार एसोसिएशन अथवा बार काउंसिल द्वारा जारी मूल परिचय पत्र भी दिखाना होगा, अन्यथा मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी। बुधवार को चुनाव पदाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि मतदान सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक का होगा। मतदान एवं मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। मतदान के लिए कतार में लगे अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करना या प्रभावित करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान और मतगणना के दौरान कोरोना के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। मास्क एवं समुचित दूरी का पालन हो रही है। मतदान केंद्र में मतदाताओं को अपना मोबाइल फोन बंद रखना होगा। यदि कोई मतदान की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने का प्रयास करेगा तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला, वरिष्ठ एवं दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए अलग कतार की व्यवस्था है। मतगणना का कार्य 25 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस चुनाव में किसी तरह की कोई अवरोध नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही इस चुनाव में 3 पदाधिकारी हैं, उनके निगरानी में चल रही है। अधिवक्ताओं ने अपना मतदान शांतिपूर्ण कतारबद्ध तरीके से कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, देखिए कड़ाई की कोई बात नहीं है, इसलिए ये धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है
और इसमें केवल अधिवक्ता ही अपना वोट डालते हैं। इस चुनाव के लिए 3 चुनाव पदाधिकारी हम लोग हैं धनबाद से और 2 ऑब्जर्वर आए हुए हैं, एक बोकारो से एमके श्रीवास्तव साहब और दूसरे परमेश्वर मंडल और बार काउंसिल झारखंड बार काउंसिल के सदस्य एके रसीदी साहब भी हैं। उनकी निगरानी में बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो रहा है। पहले सवा घंटा में लगभग 330 वोट डाले जा चुके हैं और हम समझते हैं कि 4 बजे तक पूरा मतदान पूरा हो जाएगा और शांतिपूर्वक ढंग से। अश्विन कुमार मुखर्जी